अस्सलाम वालेकुम। लूना को ऑफिशियली डिलिस्ट कर दिया गया है, तो क्या उसकी वजह क्या थी? तो उसको आपको थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर लूँगा कि रीज़न क्या थी, किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसको डिलिस्ट कर दिया गया है, और क्या आपका जो लूना है वो लूना क्लासिक में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ बनाई हुई थी जिनमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था, आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने लूना के बारे में कि उसका $1 जो जो प्राइस है वो पॉसिबल है कि नहीं। सेम इसी तरह टाइम टू बाय लोना, विन टू बाय, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बाई करेंगे, और क्या जब लूना क्लासिक आएगी तो उसका अल्टरनेट हमें क्या मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगी। तो उस चीज़ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। ये कुछ मैं अगर आपको अगेन मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी कि न्यू लूना क्लासिक आएगी। अगेन वही चीज़ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप किन चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब लूना पे इन्वेस्टमेंट करेंगे या लूना को सेल करेंगे अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसे ही 97% उन्होंने पम्प लिया तो मैंने आपको बताया था कि आपको चाहिए था कि सेल करे। बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि मैंने सेल नहीं किया, मैं ये सोच रहा था कि $1 को जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में बताया था कि पॉसिबल नहीं है कि ये $1 को चला जाए जब तक ये तीन नैरेटिव साथ में ना ले, न्यू ब्लॉकचेन, लूना क्लासिक और सेम जो उनका जो नेम था लूना क्लासिक में जब कन्वर्ट होगा, इसी तरह जब तक और बाइनेंस जब तक ना चाहे कि उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो ये तीन चार रीजंस मैंने आप लोगों को बताए थे। अगर ये चीज़ें ये नैरेटिव लूना की तरफ से आपको नजर आए तो मार्केट तब ऊपर जा सकती है। सिर्फ एक और बर्निंग मेन चीज़ बर्निंग, और इसमें अगर एक भी हो तो आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने सेल करना होगा। लूना जैसे ही 97% ऊपर चली गई, उसकी वजह क्या थी, उन्होंने बर्निंग शुरू की और जिसकी वजह से रेट ऊपर चला गया। अभी दो तीन नैरेटिव्स जो कि और लेंगे तो उसकी बेस पे भी मार्केट शायद ऊपर चली जाए, लेकिन अभी उन्होंने डीलिस्ट कर दिया है, आप उस पर कोई किसी किस्म की ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि रीज़न क्या है कि आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक ग्राफ डाल दूँ, यहाँ से देखें चीज़ को, आपने इस चीज़ को लाजमी देखनी है और इनमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, सही है, तो वीडियो को लाजमी वॉच करें। फॉर एग्जाम्पल कि लूना इस प्राइस से, जो कि प्राइस थी 119, जो अपना हाई ले गया था 119, इस पे थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगी वो मैं आपको समझा दूं। अगर 119 से लेकर 119 से लेकर 50 के दरमियान जो इन्वेस्टर्स थे उनको कितना मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जाम्पल वो उनको मिलेगा 45%, सही है। अब इनसे जो बिलो है 50 से, जिन्होंने 50 और 35 के रेंज के अंदर बाई किया है, 35 के अंदर, तो इनको कितना मिलेगा? तो इनको मिलेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उनको फॉर एग्जांपल 30% मिलेगा, सही है, जिन्होंने इस रेंज के अंदर, जब लूना की प्राइस इस डोमेन के अंदर थी 119 से लेकर 50 के दरमियान, तो उनको 45% मिलेगा जिन्होंने इस डोमेन के अंदर बाई किया है। जिन्होंने इस डोमेन के अंदर बाई किया है उसको 30% मिलेगा। सेम अगर इससे बिलो है, फॉर एग्जांपल 35 से लेकर 18 तक, उनको 20% मिलेगा, लेकिन और इससे बिलो जो होगा इनको 20% मिलेगा, और बिलो 19 से लेकर जो अभी मार्केट की जो रेट चल रही थी जो कि 0.00000, दिस इज 0, ओके 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 0.01, जिन्होंने इस डोमेन के अंदर बाई किया है जो अपने 19 से लेकर बिलो जो उसका सबसे एंड में जो लास्ट प्राइस थी उसके अंदर अगर बाई किया है तो उनको कितना मिलेगा? उनको फॉर एग्जांपल 10% मिलेगा, सही है। तो इन्होंने ये सोचा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स थे जो लोना को अपने लोना पे जब हम लॉन्च हुए थे या जो हमारे इन्वेस्टर्स थे, अब जिन्होंने इस रेंज के अंदर बाई किया है 119 से लेकर 19 रेंज के अंदर,
ये हमारे वो इन्वेस्टर्स थे जो परमानेंट इन्वेस्टर्स थे। अब जो इससे नीचे आए हैं वो सिर्फ मौके का फायदा उठाते हुए इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब अगर हम इस बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जिन्होंने मौके का फायदा उठाया कि इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, जो हमारे परमानेंट इन्वेस्टर है उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। ये एक रीजन थी जिनकी वजह से इसको डिलिस्ट कर दिया गया है, कि ऐसा ना हो कि मैं अगर आपको अगेन यहाँ पे, अब देखिए ये ग्राफ थी सही है, फॉर एग्जाम्पल लोना की प्राइस यहाँ पे आके, ये प्राइस है यहाँ पे आके, ये वाले प्राइस है सही है। अब अगर मेरे पास $15 इन्वेस्टर्स, मैं किसी किस्म का इन्वेस्टर्स नहीं हूँ, मैं लोना का इन्वेस्टर्स नहीं हूँ, मैंने ये सोचा कि इस प्राइस पे अंदर अगर मैं $15 भी लगा दूंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा, तो फायदे को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो $15 अगर मैं इस रेट पे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे उसका अल्टरनेट कितना मिलेगा, मुझे फॉर एग्जाम्पल इस रेट पे, अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे इतना लोना मिल रहा है, सही है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वॉच करें इसको, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी और आप सारे बैकग्राउंड है उसको भी समझ जाएंगे। अब अगर इस रेट पे मैंने बाई किया और $15 सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे लोगों ने जो इनकी परमानेंट इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने लाखों डॉलर इन्वेस्ट की है, वो तो उनकी तो उनकी वो लाखों डॉलर्स 100 और हजार और 200 और 100 और 50 में कन्वर्ट हो गई। अब जो मौके का फायदा उठाने वाले लोग हैं जो कि अब सोच रहे हैं कि लोना क्लासिक भी आ रही है, तो लोना क्लासिक जब आएगी तो अगर मुझे 10% फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रेट पे यहाँ पे बाई किया है $15 की और मुझे इतना लोना मिल रहा है, मिल गया। अब जब लोना क्लासिक आएगी और लोना क्लासिक की जो रेट होगी फॉर एग्जाम्पल वो $1 होगी, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी रेट $1 हो गई और मुझे लोना क्लासिक के अकॉर्डिंग टू लोना क्लासिक कि मुझे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, तो अगर मैं इसका 10% भी लूँ, 10% भी लूँ तो ये $15 से लेके कहाँ तक जाएगी, आप खुद कैलकुलेशन कर ले कि मैं परमानेंट इन्वेस्टर ना हो कि कितना प्रॉफिट ले लूंगा। मेरे लिए तो फायदा है, जो इमरजेंसी इन्वेस्टर है या शॉर्टकट इन्वेस्टर्स है मेरे लिए तो फायदा है, लेकिन लोना ने ये सोचा कि अगर हम अभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा दे रहे हैं तो ये उनके साथ ज्यादा है जो हमारे परमानेंट इन्वेस्टर्स थे। जब जब हमारी रेट इतनी ज्यादा थी तब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, ये हमारे वो इन्वेस्टर हैं जिनका हम पे ट्रस्ट है, तो अगर उनको हम फायदा नहीं देंगे तो हम क्यों उनको फायदा दे दे कि जो सिर्फ 15 और 20 और 10 डॉलर इन्वेस्ट करके 1,000 और 1,200 और 1,500 और 1,800 और ये डॉलर्स मुनाफा ले रहे। तो एक बड़ी रीजन या यही थी कि लूना को डिलिस्ट कर दिया गया है कि कोई इस डेप्थ में बाय ना करे, ऐसा ना हो कि कल को हम अगर लूना क्लासिक को लेकर आएंगे और 10 उसकी जो रेट होगी $1 होगी और इन्होंने इतना ज्यादा बाई किया होगा कि अगर हम उसको 10% भी देंगे तो तब भी इनको जो जो हमारे परमानेंट इन्वेस्टर्स नहीं है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इसको डिलिस्ट कर दिया कि अभी कोई हमारे इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्टमेंट जो इमरजेंसी में जो शॉर्टकट लोन में जो हमारे इन्वेस्टर्स परमानेंट इन्वेस्टर है नहीं, वो कहीं इस चीज का फायदा उठा के अपने $15 को या $100 को लाखों हजारों डॉलर में कन्वर्ट ना करें। तो यही एक रीजन था जिसको डीलिस्ट कर दिया गया है। अच्छा, ये 45% 30% इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जो कि मैंने आपको प्रूफ भी है वहां पे, आपको जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कितना परसेंट करेंगे। ये मैंने सिर्फ सपोज आपको समझाने के लिए किया है कि जो उनके परमानेंट इन्वेस्टर्स थे उनको ये फायदा नहीं मिल रहा है, तो उनको जो जो
लूना की इन्वेस्टर्स परमानेंट है नहीं, लेकिन शॉर्टकट देखकर अभी टाइम मौके का फायदा उठाते हुए कुछ कमाना चाहते हैं। तो उनसे बचने के लिए लूना ने अपनी करेंसी को या अपने जो टोकन है उसको डिलिस्ट कर दिया गया है, कि ऐसा ना हो कि हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको तो ऐसे ही फायदा नहीं मिल रहा, तो ऐसा ना हो कि कोई नया इन्वेस्टर्स या कोई नया इन्वेस्टर्स कोई नए लोग आकर हमारे करेंसी में इन्वेस्ट करे, और अगर कल को इसकी न्यू क्लासिक की जो प्राइस है 1 डॉलर होगी, तो अगर 10% भी हम देंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, न कि उन लोगों को जो कि हमारे परमानेंट इन्वेस्टर्स है। तो उन चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसको डिलिस्ट कर दिया गया। अब क्या कब दूसरा सवाल यह है कि कब तक ये रिकवर हो जाएगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि कब तक हम जो जो लोना क्लासिक है या लोना है वो लोना क्लासिक में कन्वर्ट होगा। तो 27 मई को, 27 मई को मेरे ख्याल से मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि 27 मई को न्यू लोना क्लासिक आएगी, 30 मई को जो लोना है जो ओल्ड लोना है उसको चेंज करेंगे, ओल्ड लोना को चेंज करके वो उसको कन्वर्ट कर देंगे उसमें लूना क्लासिक में। और मिलेगा कितना, डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगी या कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है, मेरे ख्याल से यही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, इसमें एक और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, शायद अब मैंने जितना ऑब्जर्व किया लोगों को या मैंने जितना सोच लिया या देख लिया, तो बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा डेथ में बहुत ज़्यादा बाई किया है, मतलब $15 की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उनका बहुत ज़्यादा लोन आपको मिलेगा। तो शायद ये लोग ये डिसाइड करें, लोना क्लासिक जब आएगी तो ये डिसीजन ले लें कि अगर जो शख्स 19 रेट से बिलो जिन्होंने बाई किया हुआ है, जिसमें मैं भी आ रहा हूँ, इस रेट से मैंने 3 पे बाई किया था, इससे बिलो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उनको हम कुछ भी ना दें। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वेस्टर्स थे ही नहीं, बिल्कुल उनका बिल्कुल वो जो जो रीजन रख रहे हैं वो भी सही है कि अब अगर इस रेट से नीचे लोग आए हैं तो उनको कितना फायदा होगा, जो हमारे परमानेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम इससे बिलो जो रेट जिन्होंने बाई किया है तो हम उनको ना दें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शायद उनको 2% मिल जाए या 10% मिल जाए या 1% मिल जाए, डिपेंड करेगा। शायद ये भी हो सकता है कि उनकी एग्जिस्टेंस जो लोना है उसके अल्टरनेट उनको करेंसी मिल जाए, कि फॉर एग्जांपल उनके किसी के पास इतनी लोना है तो उसके अल्टरनेट हम उनको वो डिसाइड करेंगे खास रूल्स के तहत कि हम उसको लोना क्लासिक जो है वो एक ही लोना क्लासिक देंगे, या 15, इसकी रेट क्या है, 15 है, $15 है, तो हम उसको 15 लोना क्लासिक देंगे जिसकी उस टाइम पे रेट जो होगी न्यू लोना क्लासिक में $15 ही होगी। सही है, तो ये कुछ फैसले हैं जो कि ये कुछ नैरेटिव्स हैं जो कि वो लेंगे, और कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना मिलेगा कैसे मिलेगा, लेकिन जो बिलो है 19 से या 18 से जो वो अपना जो डोमेन डिसाइड करेंगे उस बेस पे वो कहेंगे कि हम किस बेस पे या कितना देंगे या कितना परसेंट देंगे या आय देंगे भी कि नहीं देंगे, क्या हम उनके पास जो लोना है उसके जो लोना की प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतनी लोना है उसकी प्राइस $15 है, तो इतनी लोना की जो अल्टरनेट मुझे लोना क्लासिक मिलेगा तब भी उसकी प्राइस कितनी ही होगी, इतनी होगी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा नैरेटिव वो ले ले, डिपेंड करेगा कि क्या नैरेटिव बोलेंगे, लेकिन अभी तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जिस तरह मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को अपनी ओपिनियन से बता रहा हूँ कि देखिए आपने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी, जो आपने की हुई है कोशिश किया करें कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप अपना थोड़ा थोड़ा निकाल दिया करें। तो यही न्यूज थी, अब देखते हैं कि क्या आने वाले कल में या आने वाले जो दिनों में है क्या सिचुएशन बनेगी, मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, लूना की क्या सिचुएशन होगी। तो यही कुछ बेसिक्स जो न्यूज आई हुई थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख ली। आपको मैं इस चीज के बारे में, क्रिप्टो बबल्स के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको यूज करेंगे और इसका जो असल रीजन है कि क्या है, इसको यूज करने से हमें क्या फायदे
मिल सकती है। सेम इसी तरह लूना के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है, आप वो वीडियोस देख ले जिसमें टेरा लूना जब क्लासिक आएगी तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, वो सब चीजें मैंने डिस्कस की है, तो आप वो वीडियोस लाजमी देखें अगर आपको लूना के बारे में कुछ जानना है। यही न्यूज़ थी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, अगर कुछ अपडेट्स मिलती है तो हम आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे।